सर हमने हैंड मेड प्रोडक्ट्स जो है वो सभी लगाए हुए हैं, और हम जो है वो स्वयं सहायता समूह से हैं। हम दीनदयाल अंत्योदय से योजना के तहत यहाँ पे आए हुए हैं और हमने ये स्टॉल लगाए हैं। तो स्टॉल में हमने जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अचार, सेवियाँ, चावल का आटा, हैंडमेड प्रोडक्ट जो है मैक्रम के, क्रोसिए के, बाकी ये हमने ऊन के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक फूड जी, हमने एक फूड स्टॉल लगाया है यहाँ पे, वो कचौरियों का लगाया हुआ है। तो कचौरियाँ यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोग आके खा भी रहे हैं। हाय सर, हमने मार्केट से बहुत कम रखा है, 35 रुपए पर कचौरी का लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। सर इस टाइम तो हमारे साथ यहाँ पे 11 ग्रुप हैं जो यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ पे तो इस टाइम हमीरपुर में काफी महिलाएं जो वो यहाँ पे समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं भी 500 से अधिक की अभी रखा हुआ है, जैसे कचौरी बनाई हुई है वो हैंडमेड बना रहे हैं और साफ सुथरी बना रहे हैं, सभी महिलाएं मिलके कर रही हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं हम सभी महिलाएं, और ये दीनदयाल अंत्योदय के तहत जो योजना के तहत सभी महिलाएं जुड़ी है और सब ने अपने हैंड हाथ से जो है वो चीजें बनाई हुई है और उसका हम सबने यहाँ पर प्रदर्शन की हुई है। तो हम त्योहारों में भी इसका अलग अलग मतलब करके प्रदर्शन करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, सारी महिलाएं मिलकर कर रही है सभी का। जैसे कल ही लोगों ने बोल दिया कि हमें इतनी कचौड़ियाँ रखनी है, तो खाने के लिए हमारे को काफी एडवांस आ रहा है, तो आज हमने कचौड़ियों को थोड़ा ज्यादा रखा है कल के। एनएलएम के तहत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है अपने हाथों से लोकल प्रोडक्ट, खाने वाले, नीटिंग वाला, आप देख रहे हैं कितने अच्छे बैग हैं, मेज पोस हैं, अचार हैं, पापड़ हैं, बहुत से मल्टीपल इनके काम है, कुछ बहुत अच्छे जो है दीपक बनाए हुए हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी इनकम कैसे बढ़े, ये भारत सरकार और हिमाचल सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, जो ये कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और हमारा जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दीपावली के शुभ अवसर के ऊपर जो है मैं इन सब जो ग्रुप यहाँ पे महिला ग्रुप काम कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ, और पूरे शहर वासियों को दीपावली जो आने वाली है 2-4 दिन में, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। और नगर परिषद का और हमारा अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो दीपावली में जो है इको फ्रेंडली दीपावली मनाए, जो लोकल हमारे दिए हैं, दीपक हैं, जो मिट्टी के बनते हैं वो, या इको फ्रेंडली दूसरे दीपक हैं या पटाखे हैं इको फ्रेंडली, उनको यूज करें, और सबको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हमीरपुर। सर यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हैं वो 2016 से बने हुए हैं, आज 2024 तक जो है लगभग हमारे पास 179 अराउंड जो है वो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। ये स्वयं सहायता समूह जो है हर एक समूह से कोई ना कोई लेडी जो है वो अपनी एक्टिविटीज करती है, कुछ स्टिचिंग का काम करती है, कुछ नीटिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ लगे हुए हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, लेडीज ने इन्हें खुद बनाया है। यहाँ पे हमारा रेडी टू ईट फूड भी चल रहा है, जिसमें हमारा कचौरी है और हमारा गुजिया, अभी अभी दिवाली के एक दो दिन पहले गुजिया और हमारा कोकोनट के जो लड्डू है वो बनाए जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अचार बना है, सेमियां बढ़िया है, सेमियां है, हाथ से बने हुए वुलन के सेट्स हैं, मिट्टी के दिए हैं। तो ये ग्रुप हमारे जितने भी हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं और एग्जीबिशंस लगाते हैं टाइम टू टाइम, जब भी कोई हमारा फेस्टिवल आता है तो ये एग्जीबिशंस लगाते हैं। एग्जीबिशन के अलावा भी अगर इनको स्टॉल लगाना हो तो ये कभी भी यहाँ पे आके स्टॉल जो है अपना लगा सकते हैं और अपना जितना भी है अपना रोजगार वो बढ़ा सकते हैं। हाँ
राजू 10-12 बना लो फिर रखी चलते है ना, तब तक भी गर्म हो जाएगा ना। मैं CLF की प्रधान रेणु भारद्वाज बोल रही हूँ और ये हमने आज मेला लगाया है